नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुदीप टेक लर्निंग में। और आज के पाइथन प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के बिना जो है नेचुरली हम ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। बहुत ही सिंपल है यार, क्या करना होता है, जो रो है उसको बस हमें चेंज करना है एज अ कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल पोजिशन में लाना है, और जो हॉरिजॉन्टल में है उसको वर्टिकल है, वाइस वर्सा यहाँ पर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है ऐसे करना, लेकिन जब बहुत बड़ी मैट्रिक्स होती है तो इसके लिए लगता है प्रोग्रामिंग वगैरह। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कैसे हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पाइथन आइडल की ओर। तो जब हम पाइथन आइडल ओपन करेंगे तो कंट्रोल एल लगाकर हम नया नई फाइल ओपन करेंगे और इसको सेव कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी नाम दे देंगे मैं, जैसे कि ट्रांस उस मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, उसको कर लेते हैं यहाँ से सेव। और सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि ट्रांसपोज करके यहाँ पर जो भी है नाम आप ले सकते हैं वहाँ पर, ये प्रोग्राम में नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको हैशटैग में डाल रखा है। मैथ इम्पोर्ट स्टार, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम यह लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई फंक्शन बाय मिस्टेकली मिस आउट हो जाता है तो इससे वो डायरेक्टली वहाँ पर आ जाएगा। अब मैट्रिक्स लिख लेते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स जो हमें दी गई है, देखिए यहाँ पर मैं आपको वो मिनिमाइज करके वो मैट्रिक्स भी दिखा देता हूँ। मैट्रिक्स हमें लिखनी है 72103-1, तो इसको हम यहाँ पर, मैंने पहले एक वीडियो इस पर बना रखा है कि मैट्रिक्स कैसे आपको लिखनी है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आप वो आई बटन में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो ये होगा पहला रो हमारा, यहाँ पर दूसरा रो लिखेंगे हम 03-1 और ये आ गया फाइनल रो -3, -4 और -2। ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम देंगे डेफिनेशन ताकि हमें ट्रांसपोज मिल जाए। तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम उस डेफिनेशन को, मैं दे रहा हूँ ट्रांस करके नाम, और कोलन के बाद जो है हमारा डेफिनेशन यहाँ पर आएगा। जो नई मैट्रिक्स होगी उसके लिए मैं नाम दे रहा हूँ बी, तो b इक्वल टू, आप उसको डेफिनेशन देखिए आप मैं कैसे लिख रहा हूँ डेफिनेशन। तो जो नॉर्मल मैट्रिक्स होती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, ए आई जे लिखते हैं, क्योंकि आइथ रो और जेथ कॉलम होता है। तो जो आइथ रो है वो बन जाएगा जेथ रो, और जो जेथ कॉलम है वो बन जाएगा हमारा आइथ रो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बस सिंपल से जे और आई को इंटरचेंज करना है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर कर दिया है जे और आई को इंटरचेंज, और फिर बाकी का जो है वो सब कुछ सेम, ये जो हम नॉर्मली लिखते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने यही सीखा कि ये कैसे लिखते हैं, इसका मीनिंग भी मैंने जो है पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। लेन ऑफ ए लिखेंगे हमारा, तो लेन का मीनिंग, रेंज का मीनिंग, ये सब मीनिंग जो है मैंने पिछली वीडियो में पहले ही आपको बता रखा है। आई बटन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में भी आपको जो है इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर आई का डेफिनेशन होने के बाद जे का डेफिनेशन, फॉर आई इन रेंज हम लिखेंगे लेन ऑफ ए। तो ये होने के बाद सिंपल से करेंगे एंटर और रिटर्न करेंगे जो भी हमने डेफिनेशन दिया है। रिटर्न होने के बाद हो गया प्रोग्राम कंप्लीट, हो गया हमारा यहाँ पर प्रिंट। प्रिंट करेंगे हम ट्रांस ऑफ ए, जो भी नाम दिया है वो सेम नाम यहाँ पर हमें लिखना है। चलिए इसको सेव कर देते हैं और रन कर दिया फायदा बनकर, और ये देखिए आंसर हमारा आ चुका है 70-3-23-4-11-2। ये देखिए 703 पहला रो, 23-4-11-2। तो ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट बहुत ही आसान तरीके से। आपको कैसे लगा ये प्रोग्राम, आप भी ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि कैसे लगी ये वीडियो। और अगर पसंद आ गई हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक क्यूरेटेड वीडियो, एजुकेशनल वीडियोस, एजुकेशनल न्यूज़, टेक क्यूरेटेड न्यूज़, ऐप रिव्यूज़ और गैजेट्स के रिव्यूज़, ये सब कुछ भंडार आपको मिलने वाला है सिर्फ एक चैनल पर, सुदीप टेक लर्निंग पर। तो सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और ये वीडियो शेयर कीजिए और बाकी की वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए लर्न स्मार्ट बी वाइज़।